अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, फरवा हालिद का नावल रगे जान से करीब तर का पार्ट 56। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीबी जी आप यहाँ? हाकिम सनीशा को सुहान के वाइट कॉटेज में आता देख बौखला गया था। उसका दिल चाहता पीछे खड़े ड्राइवर का भेजा उड़ा दे जो बिना उससे बताए सनीशा को यहाँ ले आया था। अब जोहान के हाथ तो उसकी टांगे तो टूटने ही वाली थी। मुझे देखकर इतने घबरा क्यों रहे हो? सनीशा ने अपनी सियाह शॉल दुरुस्त करते उसे कटीली निगाहों से घूरा था। सर तो यहाँ नहीं है, फिर आप यहाँ? सुहान के साथ मिलकर बड़े बड़े दुश्मनों की चालें उन्हीं पर पलट देने वाला सुहान का हास मुलाजिम उसकी बीवी के आगे बिल्कुल ही बौखला चुका था, क्योंकि उसे सुहान के नज़दीकी इस लड़की की अहमियत का अच्छे से अंदाजा था। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे सर से मिलने आई हूँ? मैं तो अपने शोहर का ये दूसरा घर देखने आई हूँ। सनीशा उसके लड़खड़ाते लहजे से ही समझ गई थी कि सुहान अंदर था। बीबी जी वो अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाकिम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बहाना बनाए। हाकिम की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी एक ना सुनती सनीशा अंदर दाखिल हो चुकी थी, जहां हर तरफ छाया सन्नाटा देख उसका दिल हौल कर रह गया था। सुहान कहाँ है मुझे बता दो, वरना उन्हें ढूंढ तो मैं लूंगी ही। सनीशा के अंदाज से सुहान की सोहबत का असर वाजा झलक रहा था, जो सुहान की तरह बात बात में करती थी और धमकियां पहले दे रही थी। स्टडी रूम में हाकिम मरी आवाज में जवाब देता अपनी इस जिद्दी मालिकन के आगे हार मान गया था, जो नहीं जानती थी कि वो एक जख्मी शेर की कछाड़ में घुसने जा रही थी। सनीशा ने धड़कते दिल के साथ स्टडी का दरवाजा धकेलते अंदर फैली नीम तारीकी को देखा था। सुहान का इस तरह खुद को तारीकियों की नजर करता देख सनीशा की तकलीफ में इजाफा हुआ था। कौन? सुहान हल्की सी आहट पर आंखें खोलता गजब नाकी का शिकार होता धड़ा था। सनीशा तो उसके इतने गुस्से पर खौफ से काम कर रह गई थी। एक पल के लिए उसकी हिम्मत जवाब दी गई थी, उसने यहीं से वापस पलट जाना चाहा था, लेकिन फिर खुद को तैयार करती आगे बढ़कर लाइट्स ऑन कर दी थी। पल भर में पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया था। सनीशा को वहां देख सुहान पल भर के लिए साकित हुआ था। तुम यहाँ क्यों आई हो? सुहान फौरन अजनबी बना था। क्या मतलब मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आपको लगता है कि मैं आपको अकेला छोड़ूंगी? सनीशा उसके सर्द लहजे की परवाह किए बगैर उसकी जानेब बढ़ी थी। सनीशा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अभी जाओ यहाँ से। सुहान ने उसकी जानेब से रुख मोड़ लिया था, जबकि उसके इतने अजनबी अंदाज पर सनीशा का दिमाग घूम गया था। आप समझते क्या है खुद को? जब दिल चाह मुझे अपने करीब कर लिया, जब दिल चाह दूर कर दिया। क्या कोई बेजान खिलौना समझ रखा है मुझे? अगर ऐसा ही बर्ताव रखना था तो रहने देते वहाँ मेरान पैलेस में क्यों लाए मुझे अपने करीब? जिस तरह आप मुझसे अपनी निगाहें चुरा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि आपको मुझसे रिश्ता जोड़कर पछतावा हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं आपकी ये गलती सुधार देती हूँ। वापस जा रही हूँ मैं मेरान पैलेस, बैठे यहाँ आप अपनी तन्हाई के साथ। सनीशा एक ही सांस में बोलती मलिक सुहान के शदीद तरीन गुस्से को हवा दे गई थी। सुहान ने उसकी जानब भरते उसकी कलाई दबोच कर उससे अपनी जानब खींचा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर दोबारा ऐसी फजूलियत बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहान उसे अपने करीब तर करता बुरी तरह बरसा था उस पर। उसकी गर्म सांसों से सनीशा को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन वो दिल ही दिल में अपना प्लान कामयाब होने पर मुस्काई थी। सुहान को पूरी तरह खुद में उलझाने का उसका प्लान कामयाब हो चुका था। सनीशा को वहां देख सुहान पल भर के लिए साकित रह गया था। तो और क्या कहूं, जो अब मुझे महसूस होगा वो ही बोलूंगी ना। सनीशा उसकी लाल आंखें देख अंदर ही अंदर खौफ से काम गई थी, मगर उससे अपने इस आंधी तूफान बने शोहर को कैसे काबू करना था वो अच्छे से जानती थी। तुम्हें कैसे लगा कि मेरा दिल भर गया है तुमसे, या मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके पछता रहा हूं? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? सुहान को उसके अदा किए जाने वाले अल्फाज पागल कर रहे थे। उसके सामने अगर सनीशा की जगह कोई और आकर ऐसी गुस्ताखी करता तो अब तक अपने अंजाम को पहुंच चुका होता। मेरान पैलेस वालों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, तुम मुझे छोड़कर उनके पास जाना चाहती हो? उसके बालों की गुद्दी पर हाथ की मजबूत गिरफ्त रखते उसने सनीशा का चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब कर रखा था, इतना कि दोनों की सांसें उलझने लगी थी। मैं नहीं जाना चाहती वहाँ, आप चाहेंगे तो कभी नहीं जाऊंगी वहाँ। आपके पास आना चाहती हूँ, आपके करीब रहना चाहती हूँ। आप मुझसे अजनबियत बरत रहे हैं, मुझे खुद से दूर रख रहे हैं। सनीशा ने उसका चेहरा थामते मोहब्बत भरे लहजे में कहा था।
छोड़ सकती हूँ मेरी खातिर उन सबको, मेरान पैलेस के हर फर्द से अजमीर, मेरान से रिश्ता तोड़ सकती हो मेरी खातिर? सुहान उससे सवाल करता है, इस्तेहज़ाई लहजे में बोला था, तुम मुझे छोड़ सकती हो मगर उन्हें नहीं, तुम जानती हो उन लोगों से इतनी नफरत के बावजूद आज तक तुम्हें इस दोराहे पर क्यों नहीं लाया मैं, इस खौफ से, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़ दोगी, तुमसे लिए जाने वाले इम्तिहान में हार मेरी। सुहान जख्मी निगाहों से उसे देखता, अपना मजाक उड़ाते बोलता, उससे खुद से दूर कर गया था। सनीशा गम की मूरत बनी अपनी जगह साकित हो चुकी थी। सुहान अंदर ही अंदर खुद को इतनी अजियत में मुबतला किए हुए था और वो लाइल्मी का शिकार हर बार अपनी जिद और नदानी में उसे क्या क्या बातें बोलकर हर्ट करती आई थी। उसे अजमेर के रुखसती से कुछ देर पहले अदा किए जाने वाले अल्फाज याद आए थे। सुहान का ख्याल रखना जनीशा, दुनिया के सामने वो खुद को जितना बेहिस और सख्त दिल जाहिर करता है, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो अपने आप को, अपनी माँ को ना बच्चा पाने का कसूरवार समझते खुद को सजा दे रहा है। वो अंदर ही अंदर टूट रहा है, उसे संभाल लेना, मुझसे नफरत नहीं करता वो, हाँ मगर शदीद गुस्सा है और मुझसे बेहतर उसके गुस्से से कोई वाकिफ नहीं है। मुझे कभी वो अपने पास नहीं आने देगा, इसलिए दुश्मनी का सहारा लेकर ही मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है वो, तुम ही वो वाहिद हस्ती हो जो उसे इस असियत से बाहर निकालने की हिम्मत और हक दोनों रखती हो, वो तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करेगा। जनीशा ने उस वक्त इंतहाई बेयकीनी से तस्वीर की जानब देखा था। उसने हमेशा दोनों भाइयों को एक दूसरे के आमने सामने जानलेवा दुश्मनों के रूप में देखा था। दोनों आँखों में एक दूसरे के लिए नफरत सजाकर पूरी दुनिया के साथ साथ एक दूसरे को भी बेवकूफ़ बनाए हुए थे, बल्कि जबकि हकीकत तो ये थी जिसने जनीशा को सुन कर दिया था। जनीशा के कानों में अजमेर के अल्फाज गूंज रहे थे जिनकी वजह से उसे फैसला करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं जानता था तुम मुझे छोड़ दोगी मगर उन्हें नहीं। सुहान उसकी गहरी खामोशी पर उस पर एक तल्ख निगाह डालता, उसके पास से गुजरता, बाहर की जाने बढ़ा था। आप समझते क्या हैं खुद को? हर बात का इल्म है आपको, मैं क्या सोच रही हूँ ये भी जानते हैं आप? सनीशा होश में आते उसके पीछे लपकी थी, लेकिन सुहान उसकी बात पर कान बंद करता तेज़ कदमों से निकलता चला गया था। सनीशा ने उसकी इस कदर रूटनेस पर डबडबाई आंखों से उसे देखा था जो सीढ़ियाँ उतर रहा था सुहान उसका फैसला सुनने से पहले ही वहाँ से हट जाना चाहता था। अभी वो सीढ़ियों के वस्त में ही पहुँचा था जब सनीशा के दिल हराश चीख पर सुहान ने तड़प कर पीछे देखा था। सनीशा का पैर सीढ़ियों से फिसल चुका था, वो सर के बल सीढ़ियों पर लुढ़कने ही वाली थी जब सुहान एक ही जुस्त में दो तीन जीने एक साथ फलांगता उसको दूसरी सीढ़ी पर ही थाम गया था। जनीशा अपने पैर को पकड़े बुरी तरह रो दी थी, उसका पैर शायद मुड़ गया था, सुहान की वजह से जान पर बन आई थी। वो खुद को कोसता जनीशा को पूरी एहतियात से उठाता अपने बेडरूम की जाने बढ़ा था। जनीशा अपनी एक्टिंग पर खुद को दाद देती, जुहान को दूर जाने से रोक चुकी थी बिना ये सोचे कि अगर जुहान को उसके जानबूझकर गिरने वाले इस ड्रामे का पता चल जाता तो उसकी कैसी शामत आनी थी। हाइफा फटी फटी आंखों से सामने बैठे कासिम साहब के किए जाने वाले इंकशाफ पर उन्हें देखती कितने ही लम्हे हिल भी नहीं पाई थी। उसकी बहन के बारे में इतनी अहम बात सबको मालूम हो चुकी थी सिवाय उसके। वो मावरा की तलाश में उसकी जाने बढ़ रही थी जब कासिम साहब उसे ज़रूरी बात करने का कहते अपने साथ अपने रूम में ले गए थे जहाँ पहले से मौजूद शहाब दुरानी और मिनहाज दुरानी को मौजूद देख वो ठटक गई थी। लेकिन कासिम साहब ने उनके वहाँ मौजूद होने का जो रीज़न बताया था उसे सुनकर मेरान पैलेस की दरो दीवार उसकी निगाहों में घूम कर रह गई थी। मावरा के साथ इतना सब हुआ था और उसने हाइफा को कुछ भी बताना गवारा नहीं किया था। हाइफा उससे अपनी छोटी से छोटी तकलीफ इसलिए शेयर करती थी ताकि वो भी उसके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, लेकिन मावरा ने तो अपनी तकलीफ़ की फनक भी नहीं लगने दी थी उससे। उससे मिनहाज पर भी बहुत गुस्सा आया था लेकिन वो अपनी सजा भुगत चुका था, अब उससे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं था। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए बेपना मोहब्बत देख हाइफा कि उससे सारे शिकवे धुल गए थे। और मावरा को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए वो बाकी सबके साथ उनके प्लान में शरीक हो चुकी थी। हाइफा को मानते देख मिनहाज ने घर के बाकी लोगों को भी वहाँ बुला लिया था। वो पहले भी शहाब दुरानी के साथ कई बार यहाँ आ चुका था इसलिए उसकी सबसे जान पहचान थी। बाकी सबकी तो खैर है, मावरा तक को पटा लेंगे हम, लेकिन किसी ने असल मसले पर गौर किया है? फजर की बात पर सब ने सवाल की नज़रों से उसे देखा था। अजमेर लाला, वो किसी सूरत हमारे प्लान में शामिल नहीं होंगे, उनकी वजह से हमारा प्लान चौपट हो सकता है। फजर की बात पर सबकी निगाहें बेसाख्ता हाइफा की जानब उठी थीं। क्या? हाइफा उनकी निगाहों का मफहूम समझकर भी अनजान बनी थी। मिनहाज लाला, ये आखिरी मारका आपकी साली साहिबा ही सर कर सकती हैं, हम सबको 100% यकीन है अजमेर लाला इनकी बात किसी सूरत नहीं टालेंगे।
रामीन ने भी लुकमा दिया था। अच्छा, और तुम्हें ये 100% यकीन किस गलत फहमी की बुनियाद पर है? हाइफा उन सब की जानब से खुद को बलि का बकरा बनाए जाने पर हुफकी से बोली, आज सुबह नाश्ते के टेबल पर ही हम सबको इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह हो गया है, अब आप जाएं और काम पर लग जाएं। वैसे भी आपके शोहर नामदार आप ही को ढूंढ रहे थे अभी। सदत ने तफसील से जवाब देते हाइफा की बोलती बंद कर दी थी। इनकार का मजीद कोई जवाब ना मिलते उसे हामी भरनी पड़ी थी। वो सब जानते थे कि इसबीर को किसी भी बात के लिए मनाना कितना मुश्किल था, इसलिए सबने हाइफा का इंतहा भी किया था। हाइफा सबके पुरजोर इसरार पर मान तो गई थी, मगर अब इसबीर की तलाश में इधर उधर देखती वो कांपते दिल के साथ आगे बढ़ी थी। मावरा को वो ये भी सरप्राइज देना चाहती थी, जिसके लिए उसने खुद को पूरी तरह से बकौल रामीन के मार का असर करने के लिए तैयार कर लिया था। बहुत दर्द हो रहा है, जुहान उसके लाल होते नाजुक पैर को देखते इंतहाई फिक्रमंदी से बोला था, जिसमें उसकी पहनाई गई पायल उसे मजीद हसीन बना रही थी। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप जाएं जहां जा रहे थे, मैं अपने दर्द से खुद ही निपट लूंगी। जनीशा उसकी गिरफ्त से अपना पैर खींचने की नाकाम कोशिश करते न उठे लहजे में बोली थी। जुहान ने घूरती नज़रों से उसकी जानब देखा था। ज़रा से दर्द पर वावेला मचा देने वाली जनीशा मेरान इतनी बड़ी चोट पर इतने सुकून से बैठी पैर हिला जुला रही थी। सुहान को एक सेकंड लगा था उसका यह नाटक पकड़ने में। ओके एस यू विश, ये लड़की जब से आई थी अपनी उल्टी सीधी हरकतों से उससे जिज करके रखा हुआ था। आज के दिन वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जनीशा ने उसे पूरी तरह खुद में उलझाते उससे उसकी तकलीफ तो भुला ही दी थी। सुहान ने उसके पैर को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते उसकी जानब से रुख मोड़ लिया था, लेकिन वहाँ से उठा नहीं था। वट, जनीशा की आंखों के साथ साथ हैरत की ज्यादती से मुंह भी खुल चुका था। मतलब उसकी तकलीफ से भी अब इस कठोर शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आई हेट यू, जनीशा आंखों में आंसू भरे बोलती है। सुहान को अच्छा हासा डिस्टर्ब कर गई थी। सेम हेयर, सुहान कोशिश के बावजूद खुद को उसकी इस मासूम कातिलाना अदाओं से बचा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। सुहान का एक बार फिर वैसा ही सर्द और खुरदरा जवाब। जनीशा का चेहरा गुस्से और खुफकी से लाल कर गया था। इससे पहले कि जनीशा कुछ बोलती सुहान उससे दोनों टांगों से थाम कर अपनी जानब खींच चुका था। जनीशा उसके इस जारहाना अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके फौलादी सीने से टकराती सीधी उसकी गोद में आन समाई थी। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? सुहान उसकी रेलिंग के साथ टकराने की वजह से लाल हुई पेशानी से हिलाते गंभीर स्वरगोशियाना लहजे में बोलता उसकी सांसें तेज कर गया था। क्योंकि मैं डिस्टर्ब करने का हक रखती हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। जनीशा उसके सख्त तेवरों से बिना घबराए दो बदो बोली थी। उसने अब तक जुहान के हिसार से निकलने की कोशिश भी नहीं की थी। उसका ये बदलाव जुहान के लिए काफ़ी खुशकुन था। तुम तो मुझे छोड़कर जा रही हो, फिर कैसा हक? जुहान के दिल में उसकी बात खूब कर रह गई थी, लेकिन इस बार जनीशा ने भी ठान ली थी इस शख्स की अकल ठिकाने लगा कर रहेगी। जुहान का गिरबान दोनों मुठियों में दबोचते हुए उसका चेहरा अपने बेहद करीब कर गई थी। मिस्टर जुहान मेरान, आपको क्यों लगता है कि मैं इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ दूंगी? इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दे कि जनीशा मेरान कभी भी आपसे दस्तबरदार होगी। पूरी दुनिया को छोड़ सकती हूँ, आपको नहीं। चाहे फिर उन दुनिया वालों में मेरान पैलेस वाले ही शामिल क्यों ना हो। सुहान मलिक जुहान जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हारे ये गवारा नहीं है। उसकी बीवी को मैं अब कभी मुड़कर नहीं देखूंगी उनकी जानिब, क्योंकि मेरे लिए आप और आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। जनीशा मध्यम सरगोशियाना लहजे में बोलती। जुहान का सारा गुस्सा इस तरह और बेचैनी अपने लफ्जों में समेट गई थी। जुहान मेरान खुद को इस साहरा के सामने पिघलने से रोक नहीं पाया था, जो हर बार उसे अपने शहर में जकड़ती कहीं और देखने के काबिल ही नहीं छोड़ती थी। जुहान झुका था और उसके चेहरे पर अपने जुनून की दास्तान रकम करता चला गया था। जनीशा उसके लम्स की शिद्दत पर जी जान से लरज उठी थी, जब जुहान ने उसे खुद में समोते उसके नाजुक वजूद की कपकपाहट को अपने वजूद में उतार लिया था। हाइफा रूम में दाखिल हुई थी, जहां उसे अजमीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार होता नजर आया था। हाइफा उसे कुनखियों से देखती अलमारी की जानिब बढ़ गई थी, जहां से उसे कुछ नहीं चाहिए था। थोड़ी देर तक अलमारी में कपड़े अंदर से इधर उधर करने के बाद वो उसके पट बंद करती अजमीर की जानिब पलटी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि उसका पूरा फोकस सिर्फ अपनी तैयारी पर है। तैयार तो ऐसे हो रहे हैं जैसे डेट पर जाना हो, हाइफा जेरे लब बड़बड़ाई थी। मुझसे कुछ कहा? उसे सोफी की जाने पड़ते देख अजमीर ने पलट कर उससे पूछा था। नहीं, हाइफा ने हुफकी से जवाब दिया था। वो दो ही दिनों में उसकी मोहब्बत और तवज्जो की इस कदर आदी हो चुकी थी कि अजमीर का जरा सा भी इग्नोर करना उसको ऐसे ही बेचैन कर देता था। वो मुसलसल अजमीर की तवज्जो अपनी जानब खींचने की कोशिशों में थी। इस बात से अनजान के अजमीर मिरर से पूरी तरह उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए था।
जो अब बेड पर बिल्कुल सेट तकियों को उठाकर दोबारा सेट कर रही थी। एक तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस अजमीर को कैसे बनाए, ऊपर से वो उसकी जानब देख भी नहीं रहा था। हाइफा का मूड अच्छी तरह हो चुका था। हाइफा कम हियर, हाइफा को बाहर जाता देखा अजमीर आवाज़ देकर रोक चुका था। उसकी गंभीर भारी आवाज़ हमेशा हाइफा की धड़कनों में तुगयानी बर्पा कर जाती थी। हर गुजरते लम्हे के साथ अजमीर के लिए उसकी दीवानगी में इजाफा ही हो रहा था। आपको शायद कहीं जाना है, आप तैयार होने मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाइफा को उसका आज के दिन भी यूँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो जो शख्स हमेशा हर एक को नखरे दिखाने का आदि था और किसी की जरूरत नहीं होती थी पलट कर उसकी किसी बात का इनकार करे, आज उसकी चहेती बीवी उसके सामने पूरे हक से ऐसा कर रही थी। हाइफा की बात पर अजमीर ने मुड़कर उसे घूरा था। जहां वो अपने नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज़गी का इजहार करती रूम से निकली थी। हाइफा, खामोशी से वापस आ जाओ वरना मैं बाहर से सबके सामने उठा कर लाने की हिम्मत कर सकता हूँ, और तुम अच्छे से जानती हो मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा। अजमीर ने उसे धमकी दी थी, जिसे सुनते हाइफा के कदम थमे थे। उसने पलट कर हुफकी से घूरा था अजमीर को, जो उसके सामने गुस्सा करना तो भूल ही चुका था और अपनी प्यार भरी धमकियों से उससे हर बात मनवा रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? हाइफा मुँह फुलाए उसके करीब आई थी। तुम कहो तो कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी नाजुक कलाइयाँ पकड़कर अपनी कमर में हमायल करते अजमीर उसके माथे पर लब रख गया था। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी गुस्से में इतनी हॉट लगती है, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल चाहता है कि। इससे पहले कि अजमीर कोई बेबाक जुमला अदा करता, हाइफा उसके होंठों पर हाथ रखती खामोश करवा गई थी। जिस पर लब रखते अजमीर ने उसकी नरमाहटे में महसूस की थी, आपके सामने भला किसी का गुस्सा टिक सकता है? हाइफा उसके ऊपर चेहरे को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते बोली, तुम करो ना, मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। अजमीर ने हाथ बढ़ाते उसका कैचर बालों से निकाल लिया था, जिसकी वजह से उसकी घनेरी जुल्फे आबशार की तरह उसके नाजुक वजूद पर फैल गई थी। अजमीर ने मबहूत होकर यह दिलकशी भरा मंजर देखा था। वो हाइफा के हसीन कमर तक गिरते लंबे बालों का दीवाना था। उसकी फरमाइश पर ही हाइफा रूम में अपने बालों को खुला ही रखती थी, लेकिन अगर जूड़े में कैद रह जाते तो अजमीर ऐसे ही अपने हाथों से ये काम कर लेता था। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, हाइफा ने मावरा वाली बात का आगाज़ किया था, जिसके लिए उन सब ने हाइफा को खास तौर पर मिनते तड़लों से अजमीर को मनाने के लिए उसके पास भेजा था, क्योंकि एक अजमीर ही उनका इतनी मेहनत से बनाया गया प्लान चौपट कर सकता था। बोलो। उसके चेहरे पर आई बालों की लटों को पीछे हटाते हुए नरमी से बोला था, जबकि उसकी मुसलसल की जाने वाली छोटी छोटी गुस्ताखियों पर हाइफा का चेहरा बिल्कुल गुलनार हो चुका था। आप पहले प्रॉमिस करें मेरी बात मानेंगे? हाइफा की बात पर अजमीर ने मशकूक नज़रों से उसकी जानब देखा था। रियली, इतनी सीरियस बात है? अजमीर के पूछने पर हाइफा ने उसे सारा प्लान बता दिया था। आपको और कुछ नहीं करना, बस मावरा के सामने मिनहाज का कोई जिक्र नहीं करना ताकि उसे पता ना चल सके। प्लीज़ मेरी हाथन मान जाए। हाइफा अजमीर को इनकार के लिए मुंह खोलता देख लज्जाहत से बोलती। अजमीर के होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखेर गई थी। ये लड़की और इसके नए नए खूबसूरत रूप, वो फिदा कैसे ना होता, और ऐसा करने के बदले मुझे क्या मिलेगा? अजमीर ने उसके हसीन दिल को छुआ था। हाइफा उसकी मुछों की चुभन पर खिसमिसाई थी। अजमीर का लम्स हमेशा शिद्दत लिए होता था। आपको क्या चाहिए? हाइफा उसकी निगाहों का फोकस अपने होंठों पर देख लरजती आवाज़ में बोली थी, जो इस लम्हे मेरे दिल को मज़ीद खुश कर दे। अजमीर ने उसके खुशी से मुस्काते चेहरे की जानब वारफ्तगी से देखते कहा था, ओके, आप आंखें बंद करें। हाइफा को उसके इतनी आसानी से मान जाने पर इस लम्हे उस पर बहुत प्यार आया था, जिसका वो इजहार करने का इरादा भी रखती थी। अजमीर उसके अंदाज पर मुस्कुराकर सर तस्ली में हम करता आंखें बंद कर गया था। हाइफा ने उसके सहारे ऊपर होते पहले बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर लब रखे थे। उसके गुदास लबों का लम्स अजमीर मेरान के लिए वाकई बहुत खुशी का बायस था, जिसके बाद हाइफा उसके दोनों गालों को उसी मोहब्बत से छूती अजमीर मेरान को अपना मजीद दीवाना बना गई थी। हाइफा ने उसकी आंखें खोलने से पहले आराम से पीछे हटते उसके करीब से फरार होना चाहा था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके इस एक्शन का रिएक्शन उसके 14 तबक रोशन कर देने वाला था। लेकिन अजमीर बंद आंखों से भी उसका दूर जाना महसूस करते उसे कलाई से थाम कर अपनी जानिब खींच चुका था। सो लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.